ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, हमारे पास कई बार इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसकी, फ्लो की रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, तो हमारे पास कहाँ आएगा ये बनाते हैं, ये देखिए, तो हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और ये सीधा सीधा हमारे एग्जाम में आ जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो। ठीक है, अगर हमारे पास सीधा सीधा दिया हो, ये देखना, अगर मान लीजिए मैं इस तरह से कोई लाइंस ड्रॉ करता हूं बेटा, ठीक है, इस तरह से बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर दू, बिल्कुल सीधी लाइन, स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दू इस तरह से, ठीक है, ये ड्रॉ कर दी। अगर कोई लाइन स्ट्रेट है, स्ट्रेट, ठीक है, इसको नोट कर लो, हमेशा के लिए याद कर लो, ठीक है, इसको ये इस तरह से फ्लो हो रहा है बेटा, ये फ्लो हो रहा है, ये कहां यूज होता है अभी आपको बताता हूं। अगर कोई लाइन स्ट्रेट है, स्ट्रेट, तो इसका मतलब है, स्ट्रेट है तो उसका मतलब है कि वो हमारे पास जो फ्लो है वो स्टेडी फ्लो है, वो क्या फ्लो है, वो एक स्टेडी फ्लो है, स्टेडी। और अगर हमारे पास वो लाइनें पैरेलल भी है एक दूसरे के, देखो एक दूसरे के पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल है, अगर वो एक दूसरे के पैरेलल भी है, पैरेलल भी है, तो इसका मतलब है कि वो यूनिफॉर्म फ्लो भी है, वो क्या है, यूनिफॉर्म फ्लो भी है। अब इसमें अगर देखोगे तो ये लाइन स्ट्रेट भी है और पैरेलल भी है, तो ये फ्लो जो है ये क्या आ गया, ये हमारे पास स्टेडी भी आ गया और यूनिफॉर्म भी आ गया, ये क्या आ गया, स्टेडी भी आ गया और यूनिफॉर्म भी आ गया, दोनों चीजें हैं, ये दोनों चीजें हैं, लिख लिया। तो नंबर वन हमारे पास ये आ गया। नंबर टू देखिए, अब आपको हुआ कि लाइन जो है वो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन आपस में पैरेलल नहीं है, आपस में पैरेलल नहीं है, इस तरह से है, मान लीजिए इस तरह से कोई भी लाइंस ड्रॉ कर लीजिए, इस तरह से स्ट्रेट है, सीधी है, मतलब सीधी का मतलब ऐसे सीधी नहीं, मतलब कर्व नहीं है, कर्व नहीं है, सीधी जा रही है, ऐसे कह दे कि ये चीज बिल्कुल सीधी जा रही है, तो कर्व नहीं होना चाहिए, ऐसे कर्व नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास ये लाइन आ गई बेटा, ये लाइन आ गई, इस तरह से लाइने जो है वो स्ट्रेट है लेकिन पैरेलल नहीं है, तो मैं इसमें क्या लिखूंगा, ये क्या है, स्ट्रेट तो है, स्ट्रेट तो है लेकिन नॉन पैरेलल है, नॉन पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास स्टेडी तो है, स्टेडी तो है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, इसके बारे में सीधा सीधा आपको लाइनें ड्रॉ करके बता देगा और आपसे पूछेगा कि भाई साहब ये बताओ कि ये स्टेडी है या यूनिफॉर्म है, कैसा है, कैसा है, ठीक है, ये हो गया सेकंड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थर्ड की ओर, ठीक है, थर्ड की ओर चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते बेटा, नेक्स्ट। तो हमारे पास क्या है, थर्ड इक्वेशन एक और बनती है, थर्ड, तो हमारे पास क्या होगा बेटा, कर्व बना देते हैं हम, क्या कर देते हैं, कर्व लाइन है ये, मान लीजिए इस तरह से कर्व है, ये कर्व है, ये कर्व है, ठीक है, बात समझ रहे हो, ये कर्व है, लेकिन ये कर्व जो है, ये कर्व तो है लेकिन एक दूसरे के पैरेलल चल रही है, एक दूसरे के पैरेलल पैरेलल चल रही है, तो ये मैं क्या, मेरे पास क्या है, ये हमारे पास कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है लेकिन दोनों पैरेलल है, सब जो है वो पैरेलल है, पैरेलल है, तो मतलब क्या है, ये अनस्टेडी फ्लो है, अनस्टेडी है, और मतलब क्या है, अनस्टेडी है और साथ में क्या है, ये पैरेलल है, पैरेलल का मतलब यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है, बात समझ आ गई बच्चे, यूनिफॉर्म है। और एक और कंडीशन, फोर्थ कंडीशन हमारे पास बनती है, कई बार ऐसा भी होता है, तो हमारे पास क्या होगा कि अगर ये फ्लो जो है इस तरह से चला जाए, इस तरह से देखो, कर्व भी, कर्व हमारे पास है और नॉन पैरेलल है, कर्व तो है, कर्व है और नॉन पैरेलल है, नॉन पैरेलल है, तो इस केस में क्या बन जाएगा, वो ना तो स्टेडी तो ना ही यूनिफॉर्म, ना तो वो स्टेडी मतलब अनस्टेडी है, ना तो वो स्टेडी है और ना ही यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है,
नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया तो एक बार लाइक का बटन दबा दें यार, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया। और अगर आप एसएससी जेई की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलें।